डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेंस में जो उत्तल लेंस है उसमें वस्तु की विभिन्न स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, उनका साइज कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है और उनका किरण आरेख, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, उसके आधार पर किरण आरेख का बनना। हमने इसके पहले वीडियो में यह भी बताया है कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम हैं और जब भी हम किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनाते हैं या उसका किरण आरेख बनाते हैं तो किन्हीं दो नियम का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, यानी वस्तु हमारी कहां हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब जो है सदैव द्वितीय फोकस पर बनेगा। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। और यह जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक एवं उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा यानी बिंदु साइज का होगा। मैं किरण आरेख में आपको दिखा रहा हूं, छोटा का मतलब यह है कि जैसे देखो यह वस्तु है हमारी, यहां अनंत पर रखी हुई है, यह इसका प्रथम फोकस है, यह इसका द्वितीय फोकस है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी और जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वह वस्तु से छोटा होगा, उल्टा एवं वास्तविक होगा। ध्यान दीजिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु को हम अनंत तथा 2f1 यानी प्रथम फोकस से दुगने, प्रथम फोकस का दुगना होगा 2f1, उसके बीच रख दें, या अनंत तथा 2f1 के बीच का मतलब है जिसे अनंत है हमारा, इधर अनंत है, ये f1 है, f1 का दुगना है 2f1, तो 2f1 और अनंत है इधर, उसके बीच में अगर हमने वस्तु को रख दिया, वस्तु हमारा है AB, तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस का दुगना 2f2 के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है? फिर देखिए, जब हम वस्तु को 2f1 पर रख दें, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारा एक लेंस है उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका द्वारक हो गया और यहां इसका प्रकाशित केंद्र है। अब देखिए, मान चलिए एक डिस्टेंस हमने ले लिया, ये f1 है और इस तरह डिस्टेंस ये 2f1 है, तो हमने वस्तु को यही रख दिया, ठीक है, और यहां इतना एक नॉर्मली डिस्टेंस नाप लिया, ये 2f2 है, f2 और इतने डिस्टेंस इतना आगे बढ़ा दिया इसका दोनों, यानी 2f2 हो गया। ध्यान से देखिए, जब वस्तु को 2f1 पे रख दिया AB, तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें द्वितीय फोकस से कहां से होकर जाएंगी, द्वितीय फोकस ये ऐसे चली जाएंगी। और देखिए, जब हम किरण को, अगली किरण अगर ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी, तो ये एक दूसरे को यहीं कट करेगी 2f2 पर, तो यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है जब 2f1 पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा एवं वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, वस्तु के जो साइज हमारी वस्तु की होगी वही साइज हमारी प्रतिबिंब की होगी। फिर ध्यान दीजिए, जब वस्तु को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले अनंत पे रखे थे, फिर अनंत और 2f1 के बीच रखे थे, फिर 2f1 पे रख दिए, अब वस्तु को बढ़ाते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां आपको फिगर दिखा रहा हूं, इसको एक बार पुनः देखिएगा, ये हम हटा रहे हैं इन फिगर को, आप ध्यान दीजिए, वस्तु को हम धीरे धीरे उसकी पोजीशन बदल रहे हैं, वस्तु को लेंस के आगे की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, जब वस्तु को 2f1 एवं f1 के बीच रखा जाएगा तो वस्तु का जो
प्रतिबिंब है वो 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो देखिए मैंने एक लेंस ले लिया, ये हमारा लेंस है, सपोज करिए ये उत्तल है, इसको मैंने यहां से एक डिस्टेंस नाप लिया प्रकाशिक केंद्र से, सपोज करिए ये F1 है और ये हमारा 2F1 है। वस्तु को किसके किसके बीच रखना है, 2F1 एवं F1 के बीच रख दिया हमने वस्तु को। ये प्रकाशिक केंद्र है, यहां से इसको नाप लिया लगभग ये हमारा है F2 और ये नाप लिया हमने, ये हमारा हो गया 2F2। थोड़ा और इधर F2। ध्यान दीजिए वस्तु को जब 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं तो देखिए पहला जो किरण वही दो नियम लागू होगा, किरण आरेख बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस यहां से ये ऐसे निकल जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाएंगी। तो ये देखिए 2F2 एवं इसके उधर क्या है, अनंत है, 2F2 यहां है और अनंत उसके बाद है, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। फिर देखिए जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F1 पर रखेंगे, ध्यान से समझिए जब हम वस्तु को कहां रखेंगे F1 पर, हम वस्तु बढ़ाते जा रहे हैं लेंस की ओर ले जा रहे हैं, अब हम F1 यानी लेंस के प्रथम फोकस पर वस्तु को रखने जा रहे हैं। तो जब लेंस के प्रथम फोकस पर आप वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये ध्यान दीजिए। मैंने एक डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, ये हमारा है F1 और यहाँ होगा हमारा 2F1, यहाँ हमारा हो जाएगा F2 और इतने डिस्टेंस आगे नाप लेंगे तो 2F2, वस्तु को हमने यही रख दिया F1 पर। ध्यान दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ये देखिए ये इसके यहां से जाने वाली किरण जो है ये सीधे निकल जाएगी। अब देखिए ये ऐसे जा रही है, कहीं जाके एक दूसरे को काटेगी तो बहुत आगे काटेगी, अनंत पर काटेगी, तो वहां उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा एवं वास्तविक तथा उल्टा होगा। हमारा आखिरी है जब हम वस्तु को बढ़ा रहे हैं, अब वस्तु को हम F1 एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु जिधर है ना उधर ही बनेगा, यानी वस्तु की ओर बनेगा, अनंत तथा फोकस के बीच बनेगा और यह आभासी एवं सीधा होगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस लास्ट डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा किरण आरेख को, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं कह रहा हूं हमने वस्तु को कहां रखना है, F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच रखना है। तो देखिए मैंने एक लेंस बना दिया, ये हमारा लेंस क्या है, ये उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा ये इसको मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया, इसका द्वारक है, यहां इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, इस कुछ डिस्टेंस हमने नाप लिया ये हमारा F1 हो गया, इतने डिस्टेंस नाप लिया ये हमारा F2 होगा। हम वस्तु को कहां रखेंगे, C और F1 के बीच रख रहे हैं, ध्यान से देखिए C और F1 के बीच रख रहे हैं, क्रिया वही होनी है, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और ध्यान दीजिए जब ये किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी। लेकिन इस केस में होता क्या है, प्रतिबिंब कैसे निर्धारित करते हैं, इन जो ये किरण जा रही है द्वितीय फोकस से, इसको डाटेड डाटेड करके इसको पीछे से, इसको पीछे की ओर ऐसे ऐसे पढ़ाइए आप और इसको भी ऐसे पीछे 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 की ओर ले आइए। तो देखिएगा जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो यहां एक जगह ये दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये सीधा है, जैसे ये हमारा AB वस्तु था तो ये A'B' वस्तु है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको उत्तल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी आकृति कैसी होती है और उसकी प्रतीत कैसी होती है, किरण आरेख डायग्राम कैसे बनाया जाता है, आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारियां समझ में आ गई हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।